होप सो गाइस आप सब लोग अपने घर पे सेफ होंगे। तो मैं लेके आया हूँ नई वीडियो। तो यार हम ना क्रैबग्रास उतरते हैं। तो यार क्रैबग्रास रास्ते में पड़ा था, तो भाई मेरे को लगा कि यार वहाँ पर बंदे उतरेंगे, बट भाई ऐसा कुछ होता नहीं है। तो यार यहाँ पर ना मैं गन ढूंढता हूँ, और हम लोग सोच रहे थे कि यहाँ पर लूट कंप्लीट करते हैं और भाई यहाँ से निकल जाते हैं, क्योंकि भाई और यहाँ पर क्या तो बंदे उतरे नहीं थे, तो यहाँ पर रुकने का कोई फ़ायदा नहीं था। भाई, तो गाइज़ यार काफ़ी देर से मैं ऑटो गन ढूंढ रहा था, बट मेरे को यार ऑटो गन ना मिल नहीं रही थी। मेरे सारे दोस्तों को मिल गई थी, तो वो बोल रहे थे भाई चलना बंदे मारने चलते हैं। मैंने बोला यार भाई ऑटो गन तो ढूंढने दो यार, उसके बाद चलेंगे आराम से, क्या दिक्कत है। उसके बाद गाइज़ यार मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर को डीपी दी जाती है। तो यार मैं डीपी फटाक से उठा लेता हूँ, और जैसे मैं स्क्वाड हाउस में जाता हूँ ना, यहाँ पर मेरे को भाई M416 मिल जाती है। तो भाई अब दोनों गन आ गई थी हाथ में, अब क्या बचा था, बंदों को यहाँ पर पेलना ही बचा था। अब तो मैं यार बोलता हूँ कि चलो भाई निकलो यहाँ से, बंदों को बजाने चलते हैं। तो गाइस यार यहाँ पर ना मैं सोचता हूँ कि यार पावर प्लांट की साइड क्यों ना जाया जाए यार, क्योंकि यार पावर प्लांट भी रास्ते में पड़ा था, और भाई वहाँ पर बंदे हो सकते हैं, मेरे को ऐसा लग रहा था। पर इतने में इधर की साइड से ना यार फायरिंग होती है, तो मैं अपने टीममेट्स को बोलता हूँ कि चलो भाई इस साइड चलो, इधर से फायरिंग हो रही है, और हम यहाँ पर जाते हैं। और गाइस इतने में ना फायरिंग बंद हो जाती है। तो यार मैं ना धीरे धीरे करके आगे जा रहा होता हूँ, क्योंकि मेरे को पता था भाई बंदे ना यहीं पर है। जैसे मैं यहाँ पर जाता हूँ ना, मेरे को भाई बंदूक की ना आवाज़ सी आती है, और यार मैं ना यहाँ पर थोड़ी देर के ना लेट जाता हूँ। और मैं यार बता देता हूँ अपने टीममेट्स को कि भाई सामने की साइड ना पत्थर के पास बंदा है, अपनी साइड से देखो तुम लोग, और मैं यहाँ से भाई उस पर ग्रेनेड करने की ट्राई करता हूँ, क्या पता नॉक ही निकल जाए। इतने में मेरा हल्का सा ध्यान भटकता है, और मेरे को ये दिखता आता हुआ, तो भाई झाड़ी के पीछे से बजा देते हैं इसको यहाँ पर। तो गाइस यार सबसे पहले मैं इसका किल कंफर्म करता हूँ यहाँ पर, और यार इतने में लोगों ने भाई नॉक हो जाते हैं। तो मैं चुपके से यहाँ पर जाता हूँ भाई पत्थर के पास, और देखो इस बंदों को कैसे गलत भरता हूँ। तो गाइस यार अभी भी ना पीछे बहुत ज़्यादा फायरिंग चल रही थी, तो मैंने भाई इन लोगों को बोला कि यार कौशल भाई को जल्दी से रिवाइव दो, और भाई चलते हैं उन बंदों को बजाने के लिए, क्योंकि भाई बिल्कुल पास से गोली चल रही थी यहाँ पर। तो इतने में ये बॉट का बच्चा दिखता है, इसको यहाँ पर नॉक कर देते हैं। और यार इतने में ना हम जो सोचते थे ना हम रश करेंगे, वो बंदे ना हम पे रश कर देते हैं। यार मुझे ना यार पीक एंड फायर लेने की आदत नहीं है, अगर पीक एंड फायर लेने की आदत होती मैं इस बंदे को मैं वहीं पर बजा देता, लेकिन इसके लिए यार ये मेरे पास आता है, और यहाँ पर मैं इस बंदे को बजा देता हूँ, और मैं ना इसका किल भी कंफर्म कर देता हूँ यहाँ पर। और गाइस इतने में कौशल भाई हमारे रोटेट मार के जाते हैं यहाँ से, और उनके साथ ये सीन होता है यहाँ पर। तो गाइस यार यहाँ पर मेरे को पता नहीं था कि भाई पहाड़ी के पास भी बंदा छुपा हुआ है, और अगर मैं थोड़ी देर तक और बाहर की साइड रहता ना, तो यार एम को इजीली नॉक कर देता यहाँ पर। तो गाइस यार उसके बाद हम लोग 500 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पकड़ते हैं, और भाई जोन की साइड निकल जाते हैं। और गाइस जैसे ही यहाँ पर आते हैं ना, हम लोग मुकुल भाई को पड़ता है यहाँ पर यार M24 का फटका। देखो शॉट पड़ा M24 का शायद, इधर यहाँ पर आप लोग सोच रहे होंगे देखते हैं। कि यार डीपी की आवाज़ आई, तो M24 का फटका कैसे पड़ा। यार डीपी भी पड़ी है, डीपी पड़ी है हमारे गुनेगार भाई को, और भाई इतने में उन पे हो जाता है रस, और बारी थी अब उन बंदों को भी भरने की। तो गाइस यार थोड़ी देर भी मैं यहाँ पर ओपन में बराबर रहता ना, बराबर तो यार मेरा नॉक हो जाता है यहाँ पर। तो यार भाई हम घर के फटाक से अंदर जाते है, हैं, क्योंकि यार गुनेगार भाई ऊपर अकेले थे। नेड कर रहा हूँ घर में, पीछे आया। अरे चलो चलो चलो,
तो गाइज यार यहाँ पर ना थोड़ा सा ना मिसकम्युनिकेशन हो जाता है, जिसकी वजह से ना भाई बहुत ही गलत समझ जाता है यहाँ पर हमारे साथ। जल्दी हाथ लगाओ अंदर, दो नॉक करे हैं, बुझ दिया। अरे मार, अरे उसे रिवाइव की दे। अरे यार, तो गाइस यार इसी गलत सीन की बात मैं यहाँ पर कर रहा था यार। भाई मेरे को लगा कि भाई हमारे जो मुकुल भाई है वो संभाल लेंगे, क्योंकि अंदर एक ही बंदा है, लेकिन वो भी थोड़ा सा यहाँ पर कंफ्यूज हो गए, क्योंकि ना भाई वहाँ पर पता नहीं दो चला था बंदे रिवाइव नॉक हो किधर रखे से थे और हो। एक बंदा उनको रिवाइव दे रहा था। पहले अंदर आना था, फिनिश तो कर। गाइस यार यहाँ पर ये सीख मिलती है ना, सबसे पहले ना भाई रिमेनिंग एनिमीज को ना फिनिश अरे करो, बंदे उसके बाद ही दो अपने कोने बंदों को दिखे रिवाइव यार, दो। एक यहाँ नॉक पर थोड़ा दिस सा साइड पड़ा, दूसरे मिसकम्युनिकेशन हो गया था, नॉक बट कोई बात नहीं, यहाँ से मैं निकलता हूँ 500 नहीं किलोमीटर यहाँ पर आवर से की स्पीड से भागते हुए। लेकिन यार भाई यहाँ पर ये सीन होता है मेरे साथ, पहुंच जाएगा। कोई बात नहीं गाइस यार कभी कभी हो जाता है। तो यार इस बार ना हम पावर प्लांट उतरते हैं, और भाई पावर प्लांट में भी हमारे साथ ना एक टीम उतरी होती है यहाँ पर। तो यार हम लोग सोचे थे ना कि जल्दी से हमको गन मिल जाए कोई अच्छी सी, और उसके सही है मतलब यार, भाई हम लोग ना ये जो बंदे उतरे ना इनको फिनिश करें, और इस गेम में ना यार ज़्यादा से ज़्यादा किल करें। तो यार इतने में ना यार यहाँ से ना मेरे को राइट साइड से आवाज़ आती है बंदे की, और देखो मैं इसको कैसे गलत भरता हूँ। मैं धोखे से निकल गई आज, मैं मरी जाऊंगा भगवान बचावे। भाई कोई बिना कमेंट सेक्शन में ना गाली नहीं देगा यार, हो जाता है यार कभी कभी। तो यहाँ पर मुकुल भाई जो मेरे को फटाक से यहाँ पर रिवाइव देते हैं, और यार आगे की साइड जो है ना बंदे थे, तो मैं बोलता हूँ कि चलो निकल रहे हैं भाई और बंदों को भरते हैं यहाँ पर। यहाँ पर यार तुम्हारे भाई ने बिल्कुल परफेक्ट नेट कुक किया था, लेकिन यार एट लास्ट वो बंदा समझ भी नहीं आता कैसे भाग जाते हैं वहाँ चलो से। अंदर। स्टिल यार थोड़ा तो डैमेज हुआ होगा वो, और उतने में वो बंदा ना हमारे मुकुल भाई को यहाँ पर नॉक कर देता है, और देखो मैं उसको कैसे गलत भरता हूँ यहाँ पर। अबे मार, तो गाइस यार यहाँ पर ना थोड़ी सी ना फुर्ती ही अरे काम आती है, और अगर यहाँ पर मैं थोड़ा सा लेट हो जाता ना, वो बंदा भाई यहाँ पर पूरी कोशिश करता है मुकुल भाई को फिनिश करने की, और भाई मुकुल भाई को रिवाइव देते हैं, और इतने में को ये दिखता है। नो हाँ, मुझे पता है मेरा स्प्रे बहुत ही बेकार है, बट यार मेरे को पता ही नहीं था मेरी AKM में 6x लगा हुआ, और कभी यार AKM चला ही नहीं भाई 6x यूज़ करके। तो उसके बाद यार मैं यहाँ पर आता हूँ, और यार अपने आपको ना हील करता हूँ। तो इतने में पता लगता है कि यार जो हमारी टीम है ना उन्होंने उनके सारे बंदों को किल कर दिया है। तो गाइस यार इसके बाद ना यहाँ से हम लोग निकल जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर रुकने का कोई मतलब ही नहीं था। तो यार इतने में ना एक गाड़ी जाती है भागती हुई, और वो ना गलती से ना फेरे से टकरा जाती है, और हाँ, मुझे पता है ये भी स्प्रे बहुत ही घटिया था, मुझे पता है गाली देने की ज़रूरत नहीं है आप लोग को। तो यार बढ़ते हैं आगे, और भाई फिनिश करते हैं बंदों को। भाई साहब ये ग्रेनेड तो ले ही जाता है यार, मैं यहाँ पर हील करता हूँ, और मेरी जो टीममेट्स हैं ऊपर जाके बंदों को बजाता हूँ। और इसके बाद यार जोन भी आ रहा था, तो यार सीधा यहाँ से जोन की साइड निकल जाते हैं। और जैसे ही हम इस ब्रिज के पास आते हैं ना, तो यार भाई हमारे पे ना बहुत ही मतलब गंदे तरीके से फायरिंग होती है। तो गाइस यार उसके बाद ना हम यहाँ पर आके रुकते हैं, और वो बंदे ना हमारे ऊपर रश कर देते हैं, और यार क्या बताऊँ भाई जो 4 नंबर है ना उनका नेट चले जाता है, और भाई वो बंदा ना खड़ा का खड़ा रह जाता है यहाँ पर।
तो गाइस यार हमने इन बंदों को यहाँ पर मार दिया ना, तो आप लोगों को ना यार चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और वीडियो को लाइक करना पड़ेगा। एक नॉक है उनको, तो वैसे यहाँ पर ना मैं हल्का सा लेफ्ट से जाने की सोच रहा था, बट यार बंदा ना मेरे पे पीक करके बैठा था शायद, मेरे को ऐसा लग रहा है, और वो मेरे को डैमेज देता है यहाँ पर। अबे बहुत लेट है यार, मारो भाई, तुम पीछे क्या कर रहे हो? तो भाई कब तक छुपे रहोगे? अबे भाई नॉक है बंदा, रश करो यार, तुम क्या कर रहे हो भाई? वो बंदा इतना लेट है। तो यार हमने इतना ध्यान नहीं दिया यहाँ पर कि हमारा जो 2 नंबर है ना वो बंदों के पास पहुंच चुका है यार, मेरे को पता ही नहीं था। मैं लेफ्ट से जाने की ट्राई कर रहा था बट भाई उस बंदे ने मेरे को डैमेज दिया और मैं वापस आ गया। पत्थर के पीछे दिखा नहीं गया तेरे को? तो यार मुझे लगा कि यहाँ पर इनके 4 बंदे हैं और भाई अब हो जाने वाला है 4v2 का सिचुएशन, क्योंकि यार हमारा जो एक बंदा है उनका तो नेट चले ही गया, वो खड़ा के खड़ा है बस वहां पर देख रहा है। पेड़ के पीछे रिवाइव दे रहा है। ओह नो 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 नो, एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। ये 3 बंदे ना यही सोच रहे होंगे। यार यहाँ पर सिर्फ एक बंदा रह गया था, वो भी इन्हीं की टीम का था, वो पता नहीं भाई इतना पीछे क्या ही कर रहा था, मेरे को समझ में ही नहीं आया। मतलब यार गाइस कतई जहर बंदा था यार, मतलब अपने टीममेट को मरते हुए देखा था यहाँ पर भाई, मतलब हद ही हो गई यार। किसी पत्थर के पीछे है वो। यार यहाँ पर ना मैं कोल्ड ड्रिंक एंजॉय कर रहा था और इतने में जो मेरी टीममेट्स है उस बंदे को भर देते हैं। तो गाइस यार कैसी लगी वीडियो? अगर पसंद आई तो यार लाइक करो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करो और फैला दो भाई यार।